क्या आपकी भी कपड़े की दुकान है? क्या आप भी डबल कमाई करना चाहते हो? तो दोस्तों आपका अपनी ऑफलाइन शॉप को ऑनलाइन करना पड़ेगा। आज का डिजिटल का युग है और ऑनलाइन का जमाना है। ऑनलाइन यानी कि घर बैठे कस्टमर खरीदारी कर सके, इस तरह का बिजनेस आपको करना पड़ेगा। मैं आपके दुकान को बंद करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी दुकान को ऑफलाइन रहते हुए ऑनलाइन बिजनेस करने की बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि यदि आपने कपड़े की दुकान खोल रखी है और आपकी दुकानदारी कम है, तो आप ऑफलाइन दुकान को यानी कि दुकान पर बैठे बैठे भी आप अपने कपड़े को ऑनलाइन बेच सकते हो। अब ये बेचेंगे कैसे? सबसे बड़ी बात है, आप पे तो ऑनलाइन करना आता नहीं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर या फेसबुक पर फोटो डालने से आपने ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिया, मगर ऐसा नहीं है। ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के लिए आपको क्या करना होता है, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। डबल इनकम आपकी 100% हो जाएगी, बस आपको ऑनलाइन पर माल बेचना आना चाहिए। दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही एडवांस्ड लेवल की वीडियो है, क्योंकि ऑफलाइन से ऑनलाइन आप होने जा रहे हैं। इसके लिए मैं जो फंडामेंटल है, जो बेसिक जानकारी है, वो आपको देने वाला हूं। यदि बेसिक जानकारी आपको समझ में आ गई तो फिर तो अपलोडिंग, सेल, परचेज, खरीदारी कैसे होती है, कितनी इनकम हुई, अकाउंट में पैसे कैसे, सारी जानकारी ऑटोमेटिक आपको मिल जाती है, सारी सेल आप कर सकोगे। मेन मेन जो पॉइंट है, किस चीज की जरूरत पड़ती है ऑनलाइन आने के लिए, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइक जरूर कर दीजिए, अभी कर दीजिए, आगे का समय क्यों देखते हो। शेयर तब कर देना जब आप वीडियो पूरी देख ले, और यदि आपको वीडियो पसंद ना आए तो अनलाइक करके निकल जाइएगा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, इससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, जो बिल्कुल फ्री होती है, इसमें आपका एक भी रुपया नहीं लगता। चलिए दोस्तों, ऑफलाइन शॉप को ऑनलाइन करना आपको बताता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजस व्लॉग। यदि आपके भी कपड़े की दुकान है या किसी भी तरह का ऑफलाइन बिजनेस है और आप ऑनलाइन से बिजनेस करना चाहते हो, तो केवल व्हाट्सएप पर फोटो भेजकर, टेलीग्राम पर फोटो भेजकर आप ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर सकते। देखिए, आप सब जानते हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, ई कॉमर्स वेबसाइट से आप ऑनलाइन जिस तरह खरीदारी करते हैं, इसी तरीके से कोई ना कोई उन प्रोडक्ट को बेच रहा होता है, तो आप भी उन प्रोडक्ट को बेचने वाले सेलर बन सकते हो। आप सब जानते हैं, इस इंडिया के अंदर सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट अमेज़न और फ्लिपकार्ट, अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे जिस तरह से आप खरीदते हो, उस तरीके से आप अपना माल भी बेच सकते हो। आप ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हो, दूसरे के प्रोडक्ट भी बेच सकते हो, अपने प्रोडक्ट भी बेच सकते हो, बस आपको क्या करना होता है, सेलर अकाउंट खोलना होता है। एक तो आपका तरीका ये है कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे आप अपना सेलर अकाउंट खोल ले। यदि खोलना नहीं आता सेलर अकाउंट, तो YouTube के ऊपर बहुत सारी वीडियोस पड़ी है, आप सेलर अकाउंट कैसे खोलें, आप सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, चलिए हम मान लेते हैं कि WhatsApp पर फोटोज आप भेजकर भी ऑनलाइन कर सकते हो, मगर कितना, 0.01%। क्यों? क्योंकि WhatsApp पर आपके दोस्त मिलेंगे, आपके रिश्तेदार मिलेंगे, जान पहचान के मिलेंगे, और कोई नहीं मिलेगा, तो ये ऑनलाइन नहीं हुआ। ऑनलाइन वो हुआ जो प्रोडक्ट को ऑनलाइन इंडिया के किसी भी कोने में, मैं तो कहता हूं वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे हुए हो और वो वहां से परचेज करे आपके प्रोडक्ट को, तब आप ऑनलाइन पे जाओगे। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, केवल व्हाट्सएप से काम नहीं चलेगा, टेलीग्राम से केवल काम नहीं चलेगा, या फेसबुक पर आप अकाउंट बना करके फोटोज डाल देते हो, उससे काम नहीं चलेगा। हालांकि ये भी काफी हद तक आपको सपोर्ट करता है। देखें, सोशल लिंक आपके होने जरूरी है ऑनलाइन आने के लिए, जैसे कि फेसबुक पर आपका अकाउंट होना चाहिए, इंस्टाग्राम पर आपका अकाउंट होना चाहिए, आप व्हाट्सएप के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए से भी सपोर्ट ले सकते हैं, आपका टेलीग्राम पर भी सोशल अकाउंट होना चाहिए, आपका ट्विटर जो आजकल एक्स के नाम से आने लगा उसका भी आपका अकाउंट होना चाहिए, लिंक्डइन। देखिए, बहुत सारी ऐसी सोशल साइट्स है, और आजकल सोनू सूद का ऐप एक्सप्लोरर, उस पर भी अकाउंट होना चाहिए। आप छा जाइए पूरे सोशल मीडिया पर, अकाउंट खोलिए। इंस्टाग्राम पे आप अपनी फोटो शेयर कीजिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए अपने प्रोडक्ट को बताइए,
और फेसबुक पर भी आप वही फोटोज वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप अपना लोकल यूट्यूब चैनल भी खोल सकते हैं। यदि आप अपने एरिया तक ही सीमित रहना चाहते हो, रिटेल भी कर रहे हो, तो आप यूट्यूब वीडियो के माध्यम से भी आप अपने सेलर को या अपने एरिया को सेलेक्ट करके आप अपने एरिया तक वो वीडियो भी पहुंचा सकते हो, जिनसे लोग आपसे जुड़ सकते हैं। मगर ये छोटे छोटे तरीके हैं, ये आपको ज्यादा बेनिफिट तब तक नहीं देंगे जब तक आप ऑनलाइन के मेन मुद्दे पर, मेन तरीके पर नहीं पहुंच पाओगे। वो तरीका क्या है? वो तरीका है, आपको भी अपनी वेबसाइट बनवानी पड़ेगी। वो वेबसाइट क्या होती है बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग तो वेबसाइट का नाम सुन के ये सोच लेंगे कि यार वेबसाइट बनानी क्या हम पे आती है, हम पे तो कंप्यूटर भी चलाना नहीं आता, हम तो मोबाइल ही पता नहीं कैसे चला रहे हैं। तो ठहरो, परेशान मत हो, आपको खुद नहीं बनानी है। यदि नहीं आता तो छोड़ दीजिए, परेशान मत होइए। आप अपने शहर में ऐसे कंप्यूटर सेंटर ढूंढिए या ऐसे वेबसाइट डेवलपर ढूंढिए जो आपको वेबसाइट बनाकर दे देंगे। इसमें ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, बस आपको थोड़ा सा पे करना होता है उनको, लेकिन वो थोड़ा सा पे आपको लाइफ टाइम कमा के दे सकता है। अब आप कहोगे सर चलिए हम थोड़ा सा पे कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा कितना? देखिए, वेबसाइट में जितनी फैसिलिटीज आप दोगे उतना ही ज्यादा खर्चा आएगा। लेकिन वेबसाइट आपकी कैसी होनी चाहिए ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए? एक तो स्पीड अच्छी होनी चाहिए, एक उसकी सर्चिंग अच्छी होनी चाहिए, वेबसाइट आसानी से खुल जाए, वेबसाइट पे अपलोडिंग आसानी से हो जाए, वेबसाइट में किसी तरह की कोई समस्या ना हो, इस तरह की वेबसाइट आपको बनानी है। वेबसाइट बनाते समय यह भी ध्यान रखना है कि ग्राहकों की समझ में आसानी से आ जाए जिस प्रोडक्ट के बारे में वे जानना चाहते हैं। सपोज कीजिए आपने 5, 10, 15, 20 हजार रुपए खर्च करके एक वेबसाइट अपने नाम की बनवा ली। अब ऑनलाइन कैसे जुड़ेंगे कस्टमर आपसे? सबसे बड़ी बात है, आपने बनवा तो ली। जैसे कि सपोज कीजिए कि भाई एक कहावत है कि आपने ट्रेन तो खरीद ली, मगर ट्रेन को चलाओगे कहां जब तक उसकी पटड़ी आपको नहीं मिलेगी? पटड़ी बनानी पड़ेगी ना, ट्रेन को खरीद करके खड़ी कर लोगे उससे कमाई थोड़ी होगी। जब तक ट्रेन पटड़ी के ऊपर नहीं चलेगी तब तक कस्टमर कैसे बैठेंगे? इसी तरीके से आपकी वेबसाइट है, आपने वेबसाइट बनवो तो ली, मगर वेबसाइट से कमाई कैसे करोगे, वेबसाइट से ग्राहक कैसे जोड़ोगे, अपने आपको ऑनलाइन कैसे लाओगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे पहले तो आपको वेबसाइट पे काम कैसे किया जाता है ये थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। वो ज्यादा हार्ड काम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आपका 2-4 घंटे में आ जाएगा। उसमें सिखाते क्या है? सिखाते ये है अपलोडिंग करना, फोटो को अपलोड करना, थोड़ा सा उसके बारे में लिखना, डिस्क्रिप्शन लिखना, उसका क्या टाइटल डालना है वो लिखना, आपके पास कितना स्टॉक है, ग्राहक किस तरह से स्टॉक घटा बढ़ा सकते हैं, वो वेबसाइट बनाने वाले अपने आप ऐड कर देते हैं। जैसे आप अमेज़न पर खरीदते हो ना, इसी तरीके से आप अपनी वेबसाइट पर प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन शो कर सकते हो, दिखा सकते हो। जब आपको फोटो अपलोड करना आ जाएगा, जब आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर वीडियोज अपलोड करनी आ जाएगी, और जब आपको उस वेबसाइट का फायदा मिलना शुरू होगा, तब आप ऑनलाइन पर उपस्थिति अपनी दर्ज करा सकते हो। अब सर आप कहोगे कि पता नहीं कोई आएगा या नहीं आएगा, लोगों तक हम कैसे पहुंचाएंगे? तो देखिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए मैंने स्टार्टिंग में बोला आपको कि ये सपोर्टर्स है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ये सपोर्टर्स है। आप अपनी वेबसाइट को अब लॉन्च करेंगे, आप अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग करेंगे। जब तक आप अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग ना कर दे, एडवर्टाइज ना करा दे, तब तक आपकी वेबसाइट लोगों तक नहीं पहुंचेगी। देखिए, कस्टमर को खींचना है तो अपनी वेबसाइट को लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। उसके लिए आप व्हाट्सएप का सहारा लीजिए, अपने वेबसाइट का लिंक भेजिए, आप अपने फेसबुक का सहारा लीजिए, उस पर लिंक भेजिए, यूट्यूब चैनल का सहारा लीजिए, किसी और दूसरे ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट कराइए। लेकिन जिस दिन आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आना शुरू हो गया, तो समझ लीजिए कि कस्टमर की लाइन लगनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखना है, जब आप वेबसाइट बनवाओ तो सबसे पहले वेबसाइट डेवलपर को ये बात जरूर बोले कि सर जब कोई
हमारी वेबसाइट पर आए, लॉगिन करे, तो उसको वेलकम का मैसेज ऑटोमेटिक जाना चाहिए। और जो कोई माल खरीद ले तो उसको थैंक यू का मैसेज भी ऑटोमेटिक जाना चाहिए। सारी डिटेल उसको अच्छी तरीके से जानी चाहिए। जिस तरह की सुविधा आप वेबसाइट के ऊपर हमारे ग्राहक को दे सकते हैं, वो सारी सुविधा आप इस पर कर दीजिए। नॉर्मल सी सुविधा रखिएगा, जैसे जैसे काम बढ़ेगा अपने, आप वेबसाइट को और अधिक सुविधा पूर्वक बनवा सकते हो, ऐसे आप तरक्की धीरे धीरे कर सकते हो। दोस्तों, फोटोज इतनी अच्छी तरीके से आप क्लिक कीजिएगा अपलोड करने से पहले कि फोटो में HD क्वालिटी कम से कम दिखाई दे। अब वो क्वालिटी कैसे आएगी, देखिए, जब आप अपने कपड़ों को रखोगे तो आप अपने मोबाइल से ही फोटो खींच के अपलोड कर सकते हो। अब आप कहोगे सर HD क्वालिटी लाना, एक प्रोफेशनल फोटो से फोटो खिंचवाना, अपलोड करना, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है। ये मुश्किल नहीं है, बस आपको क्या करना है, ज्यादा नहीं, अपने प्रोडक्ट को जहां पर भी फोटो खींच रहे हो वहां पर लाइट का अच्छा सा फोकस लगवा दीजिए, और फोकस लगाने के बाद आप उस फोटो को HD में कन्वर्ट कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे ऐप है, जब आप फोटो खींचते हो अपने कैमरे से तो HD का ऑप्शन आता है, HD में करोगे तो ऑटोमेटिक HD कवर कर लेगा। उन फोटो को आप अपनी वेबसाइट पर अपलोड कीजिए, डेली अपडेटिंग दीजिए अपनी वेबसाइट के ऊपर, ईमेल्स का सहारा लीजिए प्रमोट्स करने के लिए, ईमेल के द्वारा कस्टमर तक पहुंचने के लिए, कस्टमर का धन्यवाद, कस्टमर का वेलकम ईमेल के द्वारा भी आप कीजिए, SMS के द्वारा भी आप कीजिए। जब आपके वेबसाइट के ऊपर ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे तो जो आपकी दुकान के अंदर कपड़ा रखा हुआ है, जो नहीं भी बिक रहा है ना, उसका भी एक अच्छा सा फोटो खींचकर आप डाल देंगे तो उसकी भी रिक्वायरमेंट आएगी। आप वो प्रोडक्ट जो ऑफलाइन नहीं बिक रहा है वो ऑनलाइन बिकना भी शुरू हो जाएगा। बस दोस्तों ध्यान रखिएगा, धोखाधड़ी बिल्कुल ना करना, ईमानदारी से काम करना, और ऑनलाइन होते समय आप अपने प्रोडक्ट की भी खास तौर पे देखभाल ऐसी करना कि दूसरे ग्राहक तक पहुंचते समय किसी भी तरह का उनका विश्वास ना टूटे, क्योंकि ऑनलाइन में फ्रॉड बहुत चल रहा है। यदि आप गलत कपड़ा दोगे, बेकार कपड़ा दोगे, या जो फोटो में दिखा रहे हो उससे अलग कुछ भेजोगे, तो आपका विश्वास खत्म होगा, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आना बंद हो जाएगा। विश्वास करोगे, फैसिलिटी दोगे। अब आप सोच के देखिए, अमेज़न फ्लिपकार्ट किस तरह की फैसिलिटी देता है, सेम इस तरह की फैसिलिटी अपनी वेबसाइट पर दो। देखिए, आप अपनी वेबसाइट बनवा कर भी अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो, ऑनलाइन आ सकते हो। अब इस वेबसाइट को आप जितना ज्यादा प्रमोट कराओगे उतने आप ऑनलाइन में पहुंच पाओगे। साथ के साथ अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर भी आप अपना सेलर अकाउंट बनवाइए, वहां से भी आपको बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। व्हाट्सएप के द्वारा और अपने शहर में होर्डिंग्स लगवाइए अपनी वेबसाइट का, अपने पेपर्स में ऐड दीजिए, जो लोकल पत्रिका या पेपर्स आते हैं उनमें ऐड दीजिए। आप बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट करा सकते हो। आप कुछ ही दिनों में देखोगे, 5-6 महीने की मेहनत में ही जब ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, इतनी दुकानदारी तो आपकी कपड़े की ऑफलाइन यानी कि दुकान पे बैठे बैठे भी नहीं हो रही जितनी आप ऑनलाइन कर रहे हो। और आपका एक दिन वो समय आएगा कि आपका बिजनेस इतना बढ़ जाएगा कि ऑफलाइन पे भी बैठने की आपकी फुर्सत नहीं होगी, आप ऑनलाइन की तरफ झुकना शुरू कर देंगे। ऑफलाइन से ज्यादा काम ही आज के समय ऑनलाइन होनी शुरू हो चुकी है। बस आपको ऑनलाइन आने के लिए वेबसाइट डेवलपर को ढूंढना है। हो सकता है आप गांव से बिलोंग करते हो तो 15-20 किलोमीटर के आसपास सबके शहर मिल जाते हैं, वहां पर आप पता कीजिए, आपकी वेबसाइट कोई ना कोई बना देगा। बस आपको प्रमोट करना है और फोटो अपलोड करने हैं। आप पे नहीं आते हैं तो जैसे जैसे काम बढ़ेगा, कोई लड़का आप रख सकते हो कंप्यूटर का, तो आप इस तरह से ऑनलाइन आ सकते हो। अब आप देख लीजिए अमेज़न की वेबसाइट खोल करके, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट खोल करके, कि आप किस तरह खरीदारी करते हो। इसी तरीके से आपके कस्टमर खरीदारी करे तो तब आपकी वेबसाइट कामयाब हो जाएगी, तब आप ऑनलाइन प्रोसीजर में पूरी तरीके से लिप्त हो जाएगा और पूरी तरीके से ऑनलाइन बिजनेस आप कर लोगे। दोस्तों, ऑफलाइन बिजनेस भी चलता रहे और ऑनलाइन भी चलता रहे, ये एक विश्वास का जरिया हो जाता है। जब आप अपनी ऑनलाइन पर भी ये लिख दोगे ना, किसी तरह की कोई समस्या है तो हमारा ऑफलाइन एड्रेस ये है, तो आप यहां से भी आकर एक्सचेंज कर सकते हैं यदि कोई लोकल का है, तो देखिए कितना बड़ा विश्वास बनता है। किसी को पैसे ऑनलाइन डालने में भी समस्या नहीं होगी, इसलिए ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन करना बहुत आसान है। बस थोड़ा सा आपको शुरू में 10-15 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं, मगर वे 10-15 हजार रुपए आपके 10-15 लाख रुपए भी बन जाएंगे। इसलिए कहते हैं
कोई सा भी बिजनेस हो, कपड़े का ही बिजनेस नहीं, कोई सा भी बिजनेस हो, आप आज के समय ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हो। अपनी वेबसाइट बनवाइए, बहुत जरूरी है, अपने बिजनेस की वेबसाइट बनवाइए। फिर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जितने भी सोशल साइट्स हैं, इन पर सभी पर लिंक शेयर कीजिए, डेली अपडेट दीजिए, देखिए किस तरह ऑनलाइन बिजनेस आपका चलता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए काम करो।